साथियों नमस्कार। भाई माँ के पहले दूध को हमेशा ही बच्चों के लिए अमृत कहा जाता है, लेकिन ये पहला दूध जो है वो हमारे काप के लिए क्या क्या फायदे कर सकता है, क्या क्या फायदे वो माँ के लिए कर सकता है, ये सारी की सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। टोटली आपको मैं 7 ऐसे फायदे बताने वाला हूँ जो कोलेस्ट्रम यानी खीस से मिलता है। खीस क्या है? खीस माँ का पहला दूध। जब भी गाय भैंस बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद उसका जो प्रारंभिक दूध होता है 0 से 5 डे का, उसको हम खीस बोलते हैं। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है? पहले दूध की होती है, जो पहली बार वो बोला जाता है ट्रू कोलेस्ट्रम यानी कि वास्तविक खीस जो होती है वो उसी को कहा जाता है। तो ये जो 0 से 5 डे वाली खीस है या वास्तविक खीस है, ये बच्चों में क्या क्या फायदे करेगी, ये कंप्लीट बातें आपको जाननी जरूरी है। और माँ के शरीर में ये क्या क्या फायदे करेगी, तो बहुत सारे निवेदन आ रहे थे डिटेल वीडियो के लिए। तो देखिए हमारे चैनल पर पशुपालन से संबंधित हम सभी जानकारियाँ आप लोगों को देते हैं, तो आपके मन में अगर कभी भी कोई प्रश्न हो या कभी भी आपको किसी भी विषय पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डेयरी फार्मिंग करना है और उसका A to Z नॉलेज चाहिए तो आप रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, वहाँ जा करके आप डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं और डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसको लेने के बाद कभी भी फेल होने की संभावनाएँ नहीं रहती है। छोटे डेयरी फार्मर्स, बड़े डेयरी फार्मर्स और जो सोच रहे हैं, सभी के लिए वो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो रामावत एनिमल ऐप पर जाकर के आप डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कोलेस्ट्रम यानी खीस के महत्व की। तो अगर पहली बात हम करें तो देखिए जो बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही या जन्म लेने के तुरंत बाद, कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद, उन्हें एक विशेष प्रक्रिया करनी होती है और वो उनका पहला मल जो है उसको त्याग करना होता है। ये जो पहला मल जो है वो कई कई को जिनको खीस नहीं पिलाई जाती है ना, उनमें पहला मल अटक जाता है और वो कई प्रकार के इन्फेक्शंस का कारण बनता है। पहले मल को हम म्यूकोनियम कहते हैं। तो ये जो म्यूकोनियम ऑफ काफ है इसका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर आपने बच्चा देने के आधे 1 घंटे के बाद में ही खीस पिला दी यानी कि माँ का पहला दूध पिला दिया, शुरुआत की 1-2 धार नीचे निकाल दीजिए जिसको कील खोलना कहते हैं, उसके बाद अगर आपने काफ को पिला दिया तो ये इफेक्ट करता है लग्जेटिव यानी रेचक इफेक्ट जिसको बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको लग्जेटिव इफेक्ट। तो लग्जेटिव इफेक्ट यानी कि आंतों को खाली करने वाला इफेक्ट जो है वो खीस के द्वारा मिलता है, जिस वजह से जो पहला मल है उसका जल्दी त्याग हो जाता है और भाई हमारा बच्चा जो है वो सुरक्षित रहता है। तो पहला फायदा ये हो गया। अगर मैं बात करूँ सेकेंड फायदे की, तो सेकेंड फायदे में यह है और वो आप सभी जानते भी हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी जीवन भर रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो प्राप्त होती है माँ के पहले दूध से। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर पहला दूध नहीं पिलाया तो इसका मतलब ये जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, वो उसको जीवन भर परेशान करेगी। जब भी कोई बीमारी आएगी शुरुआत में ही वो काप बीमार हो जाएगा, और अगर वो फीमेल काप है तो हमें उसके बारे में विशेष सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो काप के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसको जीवन भर बीमारियों से लड़ने का वो दम देगी। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खीस पिलाई जाए और भरपेट पिलाई जाए। अब आप कहेंगे सर ये भरपेट क्या होता है? तो भरपेट में मैं आपको बताऊं, 10% वजन का 10% खीस पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर 10% की अगर हम बात करेंगे सर ये 10% कितना हुआ, तो देखिए 10% मान लीजिए कि जन्म के समय काप का वजन 20 kg है, कितना भी हो वो हम मेजर कर सकते हैं। तो 20 kg अगर वजन है तो इसका 10% कितना हुआ, तो इसका 10% हुआ 2 kg यानी कि 2 लीटर। तो आपको पूरे दिन में 2 लीटर का ये जो कोलेस्ट्रम है वो पिलाना है, पूरे दिन में 2 लीटर। अब आप 4 हिस्सों में पिलाना चाहते हैं तो भाई 500 ml 4 बार में पिला दीजिए, 3 बार में पिलाना चाहते हैं तो 700 ml 3 बार में पिला दीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रक्रिया है जो करनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर ML का तो पता ही नहीं चलता जब काप दूध पी रहा है, कोई बात नहीं, काप को माँ से अलग कीजिए, जब वो काफ़ी समय तक दूध पी लेता है उसको माँ से अलग कीजिए और उसके बाद उसकी जो नाभि वाला, यहाँ नहीं दिख रहा है, नाभि वाला जो एरिया है उसके थोड़ा सा पीछे जहाँ पर आंतें रहती है वहाँ से अगर आप ऊपर उठाएंगे तो ये जो यहाँ वाला हिस्सा है ना ये आपको उभरा हुआ नज़र आएगा,
ठीक है, और ये आपको अगर उभरा हुआ नजर आ रहा है, एकदम से फुलफिल हो गया है, इसका मतलब उसने दूध प्रॉपर पी लिया है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगली बात है फ्रेंड, वो है प्रमुख पोषण। देखिए बच्चे को एनर्जी के लिए और शरीर की और भी ज़्यादा मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी पोषक तत्वों की, पोषण की ज़रूरत पड़ेगी, उसको अपनी भूख मिटाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चा जन्म के बाद जो उसका प्रमुख पोषण होता है वो मिलता है खीस से, यानी कि प्रमुख पोषण भी खीस से ही मिलता है, इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूँ अगली यानी कि चौथी बात, तो वो है इसमें विटामिन ए बहुत अच्छा होता है, विटामिन ए बहुत अच्छा होता है और विटामिन बी के पूरे कॉम्प्लेक्स इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं, B1, B6, B2, B3, B12 है। तो ये सारे के सारे थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं पूरे कॉम्प्लेक्स के रूप में, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये भी आप पूरा विशेष ध्यान देंगे कि विटामिन ए भी है और बी के सारे कॉम्प्लेक्सेस है, इसका मतलब भाई इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा खून के निर्माण में देखिए, खून जो है वो HB जिसको हम बोलते हैं, हीमोग्लोबिन जिसको हम बोलते हैं, ये दो वर्ड से बना हुआ है। एक तो हिम से बना हुआ है, हिम का मतलब क्या हुआ, हिम का मतलब हुआ आयरन, और दूसरा इसमें वर्ड जुड़ा हुआ है ग्लोबिन। तो ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है और आयरन है ये दोनों मिल करके और हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और ये दोनों के दोनों खीस में पर्याप्त मात्रा में होते हैं, इसीलिए खून की वृद्धि जो होती है काप में उसमें भी बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है खीस पिलाने का। तो अगर आप खीस पिलाते हैं तो भाई आयरन की जो है वो मात्रा जाएगी, ग्लोबिन जाएगा, इसका मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो अच्छा बनेगा, और हीमोग्लोबिन आप सभी को पता है RBC का प्रमुख घटक है, और RBC खून का प्रमुख घटक है, भाई RBC बढ़ेगी तो अपने आप खून बढ़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो फॉर्मूला है, वो मामला है, वो है भैंस के लिए, गाय के लिए, यानी माँ के लिए। माँ के लिए क्या है, जहर गिरना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ही आप बच्चे को दूध पिलाते हैं, खीस पिलाते हैं, उस समय जब वो बच्चा मुंह लगाता है अडर के, तो अडर के मुंह लगाने से स्टिमुलेशन से क्या होता है, स्टिमुलेशन से ब्रेन में सेंस जाता है और एक हार्मोन वहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है, किसमें उसकी इम्पोर्टेंस रहती है भाई, जहर गिराने में। अगर मैं अगली बात करूं कि साहब जहर गिराने के बाद क्या है, तो जहर गिराने के बाद नेक्स्ट है पूरे ब्यात में दूध। अगर बच्चा देने के बाद बच्चा जो है वो अडर की मसाज करता है, अपने मुंह से दूध पीता है कंटिन्यूसली, तो बच्चा अगर मुंह से कंटिन्यूसली दूध पीता है, दिन में 4 बार पीता है और लगातार आप उसे पिलाते हैं, तो उस समय क्या होगा, उस समय माँ भी पूरे ब्याज फिर पूरा दूध देगी, क्योंकि प्रारंभिक जो क्रियाएं हैं वो बहुत ही बेटर यहीं से शुरू हो जाएगी। तो यहीं से बेटर क्रियाएँ शुरू हो जाएगी तो आगे जा करके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो खीस जो कोलेस्ट्रम है वो फ़ायदा माँ के लिए भी करेगा तो बच्चे के लिए भी करेगा। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार, स्काईलार्क का वादा सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।